हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ इंडिया। मेरा नाम सुजीत बीएच है। आज के वीडियो में मैं आसाम धुबरी डिस्ट्रिक्ट का ग्रामीण का जो हैंडीक्राफ्ट वर्कों को दिखाना चाहता हूं। देखिए कैसे लगे। इस गांव का ज़्यादातर आदमी लोग हाथकरघा कपड़ा बना के बेच कर अपना गुजारा चलाते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा बनाते हैं इन लोग। देखते हैं कैसे बनाते हैं इन लोग। जो बनाते हैं ये आसाम का ट्रेडिशनल साड़ीस, वो जो डोकना मेखना बोल के जो साड़ीस होते हैं, टू पीस साड़ी होते हो, वो साड़ी बनाते हैं। वो प्योर हैंडलूम जो कॉटन का ही साड़ी, मतलब इन लोग जो पॉलिस्टर और साड़ी नहीं यूज़ करते हैं, प्योर कॉटन या तो सिल्क का साड़ी बनाते हैं इन लोग। ये बनाने के लिए बहुत मेहनत और श्रद्धा का ज़रूरत भी है, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। और डिज़ाइन भी अलग अलग डिज़ाइन है तो उसका टाइम भी ज़्यादा लगता है। बहुत श्रद्धा और कठिन प्रयत्न भी चाहिए। अपना एक लेबर चार्ज वो निकल जाते इसमें, इतनी है, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता इसमें। एक पीस को ग्रुप कितने दिन में बना लेते हो आप? एक आदमी एक पीस को कितने दिन? एक पीस डेढ़ दिन। डेढ़ दिन में एक ही पीस बनता है? डेढ़ दिन। डेढ़ दिन लगता है एक पीस बनाने में? हाँ, मशीन का ज़रा लगता है। मशीन का प्रथम 400 रुपया और ये भी मोटा मोटी 1300-1400। ये 1300-1400 तीन गुना महंगा है। तीन गुना। और उसमें जल्दी बन जाता है? हाँ, उसमें जल्दी बन जाएगा ना। हाँ, यह बात सही है। जो हैंडलूम वाला कपड़ा है वो थोड़ा महंगा ही रहता है हमेशा, और जो मशीन से बना हुआ कपड़ा है वो सस्ता ही रहता है। लेकिन जो हैंडलूम वाला कपड़ा पहनने का मज़ा और उसका जो सेटिस्फैक्शन, तब भी दूसरा जो मशीन वाला कपड़ा पहनने से नहीं मिलता है। और हैंडलूम वाला कपड़ा का जो धागा पतला होता है, उसका डिज़ाइन भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का होता है, बहुत बढ़िया लगता है हैंडलूम वाला। और इसमें एक फ़ायदा भी होता है कि जो किसी गरीब का चूल्हा जलता है, बनाने वाला आदमी एकदम गरीब आदमी होता है, देख लो उसका, ऐसे आदमी लोग जो बहुत मेहनत और कठिन प्रयत्न से बनाते हैं सारी कपड़ा, तो उनका तो एक घर का चूल्हा चलाने के लिए हम लोग का मदद होते तो बढ़िया है ना। ये ऊपर वाला जो डिज़ाइन वाला है ना, ये ये कपड़े में डिज़ाइन बनाने के लिए कागज़ का मदद लेते हैं। इस कागज में जो डिज़ाइन छापते हैं वही सारी जो कपड़े में डिज़ाइन हो जाते हैं। ये डिज़ाइन के बदलते रहे क्या? हाँ, बदल हो गया। अभी कागज बदल हो गया तो डिज़ाइन भी बदल। हाँ, बदल हो जाएगा ना। बड़े सारी करो 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 काम करो हम देखो। एक दिन में कितना एक बना पाएगा? एक बनते ना, कितना बनाते? एक दो एक पीस है एक दिन में। इसी गांव का दूसरे घर में मैं गया, इसको भी यही काम है कि जो सारी मेखना डोकना बनाना है, तो ये बोल रहा कि एक दिन में एक साड़ी बना पाएगा बोल रहा था। इसका कारण भी है क्योंकि इसका जो साड़ी के डिज़ाइन जितना शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे देख लो कागज कितना शॉर्ट लगा रखे, जो शॉर्ट डिज़ाइन होते हैं तो जल्दी काम भी हो जाता है। जो ज़्यादा डिज़ाइन होता है तो उसमें ज़्यादा वर्क लगता है ना, वही कारण है। और इस काम में बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो अगर छोटा से भी गलती हो जाएगा तो धागा टूट जाएगा, अगर हम बहरा मुश्किल हो जाते हैं, डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा तो सारी ख़राब हो जाते हैं। इसमें क्या, एक दिन में शायद इसको 400-500 रुपये मिलता होगा बड़ी मुश्किल से। जो हैंडलूम वाला कपड़ा का जो धागा देखो, बहुत ही पतला होता है, बहुत नरम वाला होता है जो, लेकिन मशीन वाला में इतना पतला वाला धागा नहीं होता क्योंकि जल्दी टूट जाते हैं। और जो डिज़ाइन बनाने वाला ये कागज़ में जो छेद बना रखा ना, ये डिज़ाइन बनाते हैं, इसी में ही डिज़ाइन का छाप के बनाते हैं। इसका मदद से जो सारी वो कपड़ों में अलग अलग डिज़ाइन कलरिंग करता है। इसमें जो कागज़ चेंज करेगा तो डिज़ाइन भी अलग अलग डिज़ाइन आ जाते हैं इसमें। जो हैंडलूम वाला जो धागा है पतला होने के वजह से जल्दी टूट जाते, देख लो एक टूट गया उसका, बीच बीच में टूट जाते हैं, फिर दोबारा जोड़ते हैं, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर जड़ का खेल लग गया तो फिर टूट जाएगा, फिर जोड़ना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंस होता है, इस कारण से साड़ी का दाम बढ़ जाता है। बहुत ध्यान लगन और क्षमा सब कुछ मिला जुला के होता है, इसलिए इसका जो पैसा है जो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, वो महंगाई थोड़ी महंगा नहीं बोल सकते हो, उसका उतना ही लगन है उसमें।
और ऊपर से ये साड़ी जो हम खरीदने से ना हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाते, पहनने के भी सुख और संतुष्टि भी मिल जाते, साथ ही साथ ही इसके जैसे जो गरीब आदमी है जो इतने मेहनत से बनाते उनका घर का रोटी खाने का पैसा भी हो जाते हैं ना। तो मैं भी है, मैं भी आगे से हमेशा ऐसे कपड़े लेने का कोशिश करूँगा। इसी गांव में जो मशीन से जो कपड़ा सिलाते हैं वो भी है, देख लो इसमें लगभग हर एक इक्विपमेंट्स सेम हैंडलूम वाला ही है, लेकिन मोटर से लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली काम चलता है, तेज़ी से काम चलता है, डिज़ाइन कागज़ सब कुछ वही प्रोसेस सब कुछ एक ही जैसा है, लेकिन क्या है मोटर लगा के स्पीड से काम चलता है। और इसमें धागा जो लगा होता है वो धागा थोड़ा मोटा ही रहता है, जल्दी टूटेगा नहीं। ऊपर से ये सारी देख लो ये बोडोस जो आसाम में जो एक ट्राइब्स है बोडो बोल के, उनका जो कपड़ा है उनका जो साड़ी टाइप का एक कपड़ा है वो भी बना रहे हैं। इसमें एक दिन में 15-20 पीस निकलते हैं। ये 5-6 मशीन लगा रखे हैं इन लोगों ने, ये 5-6 मशीन लगाने के लिए ज़्यादा आदमी की ज़रूरत भी नहीं है, 3-4 आदमी होने से इसका पूरा काम हो जाता है। मशीन बहुत तेज़ी से काम करता रहेगा, उसका धागा टूटना देखना है बस, और जो स्टार्टिंग में धागा लगा के देना है, सब कुछ काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, उसको जो रोलिंग होना और जो जो जिस डिज़ाइन लगाना वो सब कुछ ऑटोमेटिकली जो काम चलते रहेगा। धागा टूटना थोड़ा देखना है, इसलिए कम आदमी से फिज़िकल वर्क कम है, जो थोड़ा मेंटली वर्क है थोड़ा सा ध्यान देना है बस, श्रद्धा देना है बस, ज़्यादा काम नहीं है मशीन वाले में। लेबर कॉस्ट भी बहुत कम ही देने पड़ते हैं, कम आदमी से ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं, और कपड़ा देखने में हैंडलूम जैसे देखता भी है। और देख लो इन लोग जो इसका जो धागा है ये अलग करते हैं, रोलर में रोलिंग करने के लिए मशीन का मदद लेते हैं, अलग अलग कलर का कलरिंग किया हुआ धागा आते हैं, अलग अलग कलर का धागा आता है, जो उसी धागे को रोलर में रोलिंग करके निकालते हैं, और रोलर से फिर रनर में घुसाते हैं, रनर में घुसाने के लिए भी मदद ही रहती है, मशीन का मदद है, और ऑटोमेटिकली देखते रहेगा, और कभी धागा टूट जाते हैं उसका ध्यान देने के लिए एक आदमी का ज़रूरत है बस। वही बात है, कम आदमी से ज़्यादा ही कपड़े निकल जाते हैं तो कॉस्ट भी कम हो जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा है। इसी गांव का दूसरा एक हैंडीक्राफ्ट वर्क है जो चटाई बनाना। इस चटाई मतलब इसका नाम है कि शीतल पट्टी, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा फेमस है शीतल पट्टी बोलते उसको बंगला में, और आसामीस में भी शीतल पट्टी बोलते हैं। इसको सोने के बहुत मज़ा आते हैं, 500 रुपये के आसपास में रेट है इसका, 1000 रुपये वाला भी है, लेकिन बहुत अच्छा मज़ा है, बड़ी मज़े में सोया इसमें बहुत अच्छा है सारे। 10 बच्चे मैं एक लिए 2-3 लिया था, अभी 6 तक हो गया। ये घर में औरत लोग बनाते हैं इसको, बहुत प्यार से लगन से बनाते हैं इन लोग, इसको कलरिंग करके भी बनाते हैं, इसको क्वालिटी भी अलग अलग क्वालिटी है। फर्स्ट क्वालिटी 1200 रुपये के आसपास में है, ये सेकंड क्वालिटी ज़्यादा बिक्री होता है, सेकंड क्वालिटी को 400-500 रुपये मिलते हैं, तो इनको कितना रुपये मिलता होगा, 250-300 रुपये अपना कमाई मिलता होगा एक दिन का रोज़गार के लिए, एक दिन में एक ही बना पाते ये भी चटाई को भी, और इसको भी टाइम भी लगता है, रोज़गार चलता है बस। यही प्लांट से जो सीधा पत्ती बनाते हैं, इसका मुर्ता प्लांट भी बोलते हैं, बांग्लादेश और बंगाल आसाम बॉर्डर में ये ज़्यादातर होता है, नमी और पानी थोड़ा पानी और नरम मिट्टी वाला एरिया में होता है, इतना जो मतलब हार्ड सूखा ज़मीन में नहीं होता है प्लांट। इसको देखने में बम्बू का जैसे है, लगभग बम्बू जैसे है, और नरम है, एकदम नरम वाला है, खेती करते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगता, एक बार लगा दिया इसको होते रहेगा, और इसमें ज़्यादा खाद का भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही नॉर्मली होते रहेगा। इसको मुर्ता प्लांट बोलते हैं, इसको मुर्ता प्लांट। ये है शीतल पट्टी का स्टेम है, इसका अंदर तो एकदम स्पॉन्जी टाइप का है, एकदम नरम है, और इसको ही फाड़ के उन लोग शीतल पट्टी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं। ये प्लांट मतलब लाइट वेट है, एकदम वजन कम है, और एकदम नरम है, दबाने से दबता भी है। शीतल पत्ती बुनाई के लिए इसका जो डंडा है उसको फाड़ के छोटा करके एकदम छोटा करना पड़ता है, और उसका अंदर का जो स्पॉन्जी है वो सब निकाल के फेंकते हैं इन लोग, फेंकता नहीं वो जलाने का इस्तेमाल करते हैं, और कोई कोई गोबर मिला के भी जलाने का इस्तेमाल करते हैं, कोई वेस्टेज नहीं होते, सब काम में लेता है। और इसका फेमस सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में, और इसका हेवी डिमांड भी है,
और इसका ये जो काम करने वाला है उनको पूरा दिन इसमें लगे रहना पड़ता है। एक आदमी इसी का फाड़ फूड़ के बनाने में लगे रहते हैं, और फाड़ने के बाद इसको बॉईल करते, एक तो बॉईल करके भी और या पानी में डाल कर रख के भी इसको पकाता है, और उसके बाद सुखाना है, सुखाने के बाद ही बुनाई शुरू करता है। मेरे हिसाब से इतना प्रॉफिट तो है नहीं, इतना जो कष्ट लेना करता है, इतना मेहनत करता है, उतना मेहनत का तो पैसे तो वो नहीं लेता है। जो उसका जो मोटा है, मोटा वाला जो सेकंड क्वालिटी जो सीदल पत्ती है वो चटाई है, उसका दाम 500 रुपये है, और जो एकदम पतला नरम वाला जो बनाता है उसको 1200 रुपये के आसपास मिलते हैं, कलरिंग किया हुआ डिज़ाइन बनाया हुआ उसका। एक ही दंडे को अभी इन लोग मतलब 4 पीस किया, फिर उसको भी 3 पीस किया, एक उसमें चारों में से एक पीस निकाल के उसको 3 पीस किया, फिर उसको देख लो कितना प्यार से फाड़ा और हरा वाला बाहर निकला। टान हो तो हाथे जो प्लास्टिक बनता हो तली रकम हो शीतलपट्टी। इसका आउटर स्किन है एकदम मुलायम वाला हरा कलर का, इससे एक एक फर्स्ट क्वालिटी का जो चटाई बनता है, और इसको जो अंदर वाला जो है थोड़ा सा है उसको और थोड़ा पतला करके थर्ड क्वालिटी का चटाई बनते हैं। जो थर्ड क्वालिटी के जो और फर्स्ट क्वालिटी के दोनों मिला के थोड़ा मोटा रहते हैं, उससे सेकंड क्वालिटी बनते हैं, क्योंकि वो जल्दी आसानी से हो जाते हैं, इसलिए वो सेकंड क्वालिटी वाला थोड़ा मोटा रहता है उसका चटाई। तीनटा आ जाएगा, वो दो ही काम में आते हैं, तीसरा वाला जलाने के काम में आते हैं। बहुत कष्ट लेते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है ये काम में। ये उसको जो सीधे पट्टी के स्किन निकालने के बाद उसको बॉईल करना पड़ता है, बॉईल करके फिर उसको धूप में सुखाना पड़ता है, धूप में नहीं छाया में सुखाना पड़ता है। ये बॉईल करते टाइम इसमें कलर डालते हैं, रंग कौन सी कलर डालना है उस कलर डालते हैं, उसको बाद साथ में बॉईल करते हैं, बोल करके फिर सुखाते हैं, फिर ये चटाई बुनना शुरू कर लेते हैं। इस चटाई गर्मी में बहुत बढ़िया काम देते हैं, बहुत ठंड लगता है, सोने के भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत स्मूथ होते हैं उसका ऊपर सोने में, फर्स्ट क्वालिटी में बहुत अच्छा लगता है सोने में। और ये जो ये थर्ड क्वालिटी अभी इतना मज़ा नहीं आता सोने की, लेकिन इससे भी काम में लेते हैं, तो बहुत सारे आदमी इसको भी इस्तेमाल करते हैं, सस्ता भी है इस कारण से। मेरे वीडियो इसमें ख़त्म हो रहे हैं, नेक्स्ट बार एक नया वीडियो लेके आऊँगा। सबको थैंक यू, सी यू अगेन।